कर्नल फरीदी का नॉवल चांदनी का दुआ। और अब इसका ये पार्ट है, ना तो उन्होंने कहा कि कर्नल फरीदी निचले स्तर में हरारत का हाला इस हल्के से मुलिक होता है जिससे गैस खारिज होती है, नचीते के तौर पर नलका भी गर्म हो जाता है उसी हरारत की वजह से खारिज होने वाली गैस चमकीला गुबार इख्तियार कर लेती है। जब तक ये नलका गर्म रहता है ये हैसियत बरकरार रहती है, जहाँ ठंडे हो गैस की चमक गायब हो गई। बहरहाल ये एक मजबूरी थी जिसकी बिना पर लोग इसके वजूद से वाकिफ़ हो सके, वरना तो हम इस तक पहुँच बात तुम तक ना पहुँचती। अगर पहुँचती भी तो मेरा दावा है तो हम भटकते ही रह जाते। सिर्फ़न तो चलानी की तस्वीर हो गई थी, वो तस्वीर नुमाइश में रखी गई और मुझसे भागते सरसद होने लगे। ना कर्नल लॉर्ड इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेता और ना तुम इसके पीछे लगते हो। और तुम ये बताओ कि तुमने मेरा आसार कैसे तोड़ा। पानी से फरीदी मुस्कुराए। तुम्हें कैसे मालूम हो, तुम क्या जानो। ना तो ना बुखला कर बोली हूँ शायद, जब भी तुम आसार में नजर आए यो जब भी तुम आसार में नजर आई हो मैंने तुम्हारे शाने से कैमरा लटका हुआ देखा है और हाथ में आसार के अंदर ही कहीं शराब की बोतल भी देखी है। लेकिन क्या इसमें शराब होती थी। फिर जब ख्वाबगाह की मसेरी के गिर्द असर नज़र आए तो वहाँ भी पानी जूता और बड़े तो उनके साथ असार के अंदर ही रखा गया था। पिछली रात मैंने काफ़ी और खौस के बाद थोड़ा सा पानी असार की तरफ ढलकाया, तुम बेखबर सो रही थी। ये सोते में कैसे लगती है हमीद भाई, कहाँ से मास्ता से बढ़ाया। चुप रहो हमीद, उसे झड़प कर उनकी तरफ मुतवज्जो हो गया। फरीद कह रहा था हाँ तो मैंने पानी ढलकाया मेदार अमीदी। बहरहाल तजुर्बा तसली बख्श साबित हो, जितनी जगह तो पानी की लकीर गुजरी उतनी जैसे सारी की चमकदार लकीर कट गई। इतनी कटी हुई जगह में मैंने पतली सी छड़ी डाली वो पड़ी रही, बस इसके बाद ही वो गैलन पानी ने दो गैलन पानी ने पूरे आसार का सफाया कर दिया था और तुम मेरे कब्जे में थी। तुम्हें गोरी किस्म की बेहोशी की दवा दी गई थी जिसके जेर असर तुम आज सुबह तक गए। ये भी मालूम हो चुका है कि तुम आसार बनाती किस तरह हो। वो कैमरा भी मेरे कब्ज़े में, इसमें वही गैस भरी हुई और इसके नोज़ल से जो बादल नज़र में नहीं मालूम होता है गैस की बारीक सी लकीर निकल कर वही शक्ल अख्तियार कर लेती है जिसके लिए तुम हाथ को हरकत दो। वो मेरी तरफ से तोहफे का तौर पर रख लो, ना तो ना बोलेंगे तुम्हें कभी नहीं भुला सकती। अरसे से पाते कि तुम्हें करीब से देखो बहुत शानदार वो कर्नल अजीम, लेकिन इसे लिख लो कि एक ना एक दिन मैं तुम्हें जीरो लड़ नहीं जाऊँगी। जलानी के हमीद ने पूछा, मैंने कई दिनों से इसे नहीं देखा। बैठ जाओ तुम सब, मैं थकन महसूस कर रही हूँ, कुछ दौर और तुम्हें देखना चाहती हूँ कर्नल, मेरी ख्वाहिश भी पूरी कर दो कोई चाल। अमीन मुस्कुराया, मैं ना तो ना हूँ उसे लिया था बोली। कर्नल के सामने सर झुका चुके हैं लिहाजा इसकी मौजूदगी में मेरा सर नीचे रहेगा, जैसे 10 मिनट के लिए यहाँ से हटकर देखे क्या होता है। मैंने पूछा जलानी कहाँ है, अमीन ने उसे फिट होगा। जलानी को दारुल हुकूमत वापस भिजवा दिया, इसकी सहनी हालत ख़राब हो रही थी। इसे तो मैंने सिर्फ इसलिए देखना चाहता कि शायद मैं उसे पहचान सकूँ, लेकिन मैं नहीं जानती हूँ वो कौन है। मैंने उसे आज से पहले कभी नहीं देखा, उससे पूछना चाहती थी कि उसने मुझे कहाँ देखा था, लेकिन वो भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। इस तस्वीर का मसला मेरे लिए हमेशा उलझन का बायस बना रहेगा। तुम धोए के मुजस्मे की शक्ल में दर्शन देती थी वो क्या बजा थी, अमीन ने पूछा। हमारा टेलीविज़न जो अभी तजुर्बाती दौर में है, इसके लिए किसी रिसीविंग सेट की ज़रूरत नहीं है। हम चाचा मनाजिर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं, हो सकता है सिर्फ एक ही साल में इस काबिल हो जाएँ कि तुम मेरा मुजस्मा अपने घर में देख सको। मेरे घर में भी जरूर जरूर। अच्छा कासिम जल्दी से बोला। कुछ देर बाद वो इकट्ठे हो गए। पूरा काफिला इस तंग से दर्रे से गुजरने लगा जिसका अख्ताम इस पथरीले मैदान में हुआ, जहाँ एक रात फरीदी और उसके साथियों ने जहन्नुम की आँख महसूस की थी। इस दर्रे में दाखिल होने से पहले वो एक ऐसे सुराख से गुजर रहे थे जिसका कतर तकरीबन 5 फुट था और जिसे बंद करने के लिए एक बहुत बड़ी सील मेकनिज़म पर हरकत करती थी। रवानगी से कबल नकली फरीदी और नकली नी ना तो ना को आज़ाद कर दिया गया था और वो दोनों अपनी इन शक्लों में भी नहीं थे। चेहरे हमीद के लिए बिल्कुल नए थे, इसलिए वो इसके अलावा और क्या समझ सकता था कि ब्लैक फोर्स के ही आदमी होंगे। ना तो ना के हाथ पुष्प पर बंधे हुए थे। जैसे दर्रे से भरा है ना तो ना ने फरीदी से कहा, तुम सब जितनी तेज़ी से दौड़ सकते हो दौड़ो, अगर हम 15 मिनट के अंदर अंदर इस सब निशान तक ना पहुँचे तो हमारे हड्डियों को भी पता नहीं चलेगा, क्यों मैं अपने मुल्क से खुदारी नहीं कर सकी।
जब हम सुराख से गुजर रहे थे तो मैंने अपने दाएं शाने से एक स्विच बोर्ड ऑन कर दिया जो सुराख के सिरे पर ही लगा हुआ था। 25 मिनट बाद खुद ब खुद उस स्विच बोर्ड से एक तहरीक होगी जो खासकर मुकाम के डायनामाइट तक पहुँचेगी, वो सब यकवेट फट जाएंगे। दौड़ों में संजीदगी से कह रही हूँ, 10-11-12 मिनट गुजर चुके हैं। उम्मीदें निशान मैंने बताया था, इस किस्म के मौके पर ही सब कुछ दफा कर दूँ और हमारे अलग वैरों के हाथ न लग सकें। वहाँ सब कुछ करना और ये भी सुन लो कि तुम इससे उसको तलाक नहीं कर सकोगे, अगर खुदकुशी करना चाहते हो तो ज़रूर जाओ, ना तो उन्होंने बेताशा दौड़ना शुरू कर दिया। फिर ही सभी भड़क कर बाटी और फरीदी तो बेचारे कासिम को दिखा दे जिसके फरीदे भी नहीं दौड़ सकते। अरे अरे मैं अरे वो चीखता हुआ दौड़ने की कोशिश कर रहा था, दफ़तन फरीदी उसके चरा चक्कर इतनी फुर्ती से उसने कमर पर लाद लिया कि फिर कासिम भी उठला कर उठ पटांग बकौर शुगर दिया। अरे वाह क्या मजा क्या, अरे कह रहे हो कौन हो तुम कौन हो, कासिम को कमीर पर कोई देव ही ला सकता था। और फिर लाद कर दौड़ना खुदा की बना मगर ऐसा मालूम होता था जैसे कोई शीशा किसी बकरे को कुछ पर लाद कर भाग। ज़रा देर में फरीदी इन दौड़ने वालों के बराबर पहुँच गया जिससे पहले दौड़े थे। कासिम बराबर चीखे जा रहा था, अरे तुम कौन हो, अरे करूँ का हाँ पाँव टूट जाएगा, अरे बचाओ बचाओ। अमीन ने देखा तो बेताशा बस पड़ा। फरीदी इन सबसे आगे जा रहा था, इसकी रफ्तार में अभी तक फ़र्क नहीं आया था। किसी न किसी तरह वो सब्स निशान तक पहुँच गए। बड़ी सी चटान थी जिसे सरगम दिया था करना तो वाकई ऐसा होना था ना। हाथी भी बोले कभी वो ज़मीन पर डर रहे हुए कासिम को देखते और कभी फरीदी की तरफ, वो बड़े बेहतर कल अंदाज में खड़ा दर्रे की तरफ देख रहा था। न उसके नथे फूल बचक रहे थे और न ही सीना लोहार की तरह ढोकनी की तरह चल रहा था। ना तो ना आगे बढ़ी और इसके भाई आने से अलग होकर लगकर खड़ी हो गई। अमीर बड़ी तेज़ी से अपनी खोपड़ी चला रहा था। अरे बाप रे कासिम बुड़बड़ा और फिर मुँह फिर कर जान दिखा दी। दफ़ता ने उस वक्त एक जोरदार गड़गड़ाहट आई और दर्रे के बाद का हिस्सा धुआं और गुब्बार में छुप गया। बड़े बड़े पत्थर काफ़ी बुलंदी तक उड़ते चले गए। तीसरे दिन वो दारुल हुकूमत में थे, ना तो ना को जेल भेज दिया गया था। उसके सारे साथी भी थे, ज़िबा और कंडन वार्ड भी इसे इलाकों के पीछे थे। अखबारों ने नई नई कहानियाँ छापी थी, हर तरफ ना तो ना और फरीदी के चर्चे थे। जिलानी भी मौजूद बहस बना हुआ था लेकिन जिलानी था। फरीदी और हमीद बेगम तनवीर के घर पहुँचे, घर पर ही मौजूद मिले। जिलानी 3 दिन से अस्पताल में पहुँच पड़ा है, कभी ज़रा देर के लिए होश आते लेकिन किसी को पहचानता नहीं, सोफिया को भी नहीं पहचाना। 4 दिन पहले की बात है कि सुबह को अचानक अंदरूनी बरामदे में पड़ा मिला था गोश था। कुछ लोग उसे एक रात इस कमरे से उठाकर ले गए थे, कुछ समझ में नहीं आता। वो पागल लड़की रो रो कर जान दिए जा रही है। तस्वीर की ऐसे भी कहानी बुरी तरह मशहूर हुई है, कहीं महारा ने नफसियात इसके लिए चक्कर लगाया। अब एक साहब अस्पताल में इसके सर पर मुसल्लत हैं।